जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर लूटपाट करने और लूटपाट की नियत से अकलतरा रोड स्थित एटीएम में तोड़फोड़ करने के मामले में 3 आरोपियों गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल देवरहा गांव के रहने वाले योगेश राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 25 अगस्त 2021 को रात्रि में वह सोया हुआ था। इसी दौरान 3 से 4 अज्ञात व्यक्ति आए और उसे डीजल बेचने के बहाने उठाया। योगेश ने डीजल लेने से मना किया तो आरोपियों ने घर में घुसकर उसकी गर्दन में चाकू अड़ाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके पास से 35,000 रुपए एवं सोने चांदी के जेवरात को लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ITC की धारा 394 के तहत जुर्म दर्ज किया था और जांच में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने संदेही युवक कार्ती राम कश्यप, प्रीतम यादव और ओम प्रकाश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तब आरोपियों द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई। दूसरी ओर आरोपियों ने 11 सितंबर को अकलतरा रोड स्थित एटीएम में लूटपाट की नियत से एटीएम में दाखिल हुए थे और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में तोड़फोड़ की थी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने दोनों मामलों में कोसमंदा गांव के आरोपी कार्तिक राम कश्यप, प्रीतम यादव और लक्षणपुर गांव के ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।